रेजिनल पॉजिटिव। तो आपको बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्या बताया था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। इसको हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। कोई डाउट? नो सर। आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो कि हमने कल बता चुका, अगर हमें मॉड लेना है मैग्नीट्यूड लेना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या देता है? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन देता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। इसका डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। हो गया? यहां तक हो गया? यस सर। चल बेटा, ये एन कैप का वैल्यू निकालना है। ये दोनों एफ टर्म मल्टीप्लिकेशन है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। सो एन कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए B साइन थीटा। लिखेंगे? यस सर। कोई डाउट? अब देखिए, ए बी साइन थीटा को हमने क्या बोला? अभी बोला था मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड क्रॉस वेक्टर बी। बोला कि नहीं बोला? यस सर। तो आप क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन इतना को हम क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। एन कैप का फॉर्मूला क्या आ गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी को लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन। देखो तो बोलेंगे क्या? एन कैप क्या देगा? एन कैप क्या देगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो गया? कितना आ गया? बढ़े आगे। यस सर। अब कब हुआ? रफ कर दूं? यस सर।
अब अगेन टू पॉइंट्स देख, यह वेक्टर ये है, यह वेक्टर बी है, यह थीटा है। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इस केस में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, होगा नहीं होगा सर। यह वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसा एंगल क्या होगा बोलो, नेगेटिव। तो बी क्रॉस ए निकालना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन माइनस थीटा। किसी बच्चे को डाउट, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है पता है, माइनस साइन थीटा माइनस बी ए माइनस साइन थीटा एन मींस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन। कोई डाउट, कोई डाउट? यह फर्स्ट इक्वेशन है और यह सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? नो सर। अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बात करें तो क्या होगा, ए बी, कोई डाउट? नो सर। एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बात करें तो क्या होगा, बोलिए देखिए, तो यही होगा। ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्योंकि मॉड हमेशा ऑलवेज क्या होता है, मॉड ऑलवेज बोलो पॉजिटिव होता है, कभी भी मॉड नेगेटिव नहीं होता। कितना जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो देखो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसको थर्ड मान लो, तो इसको फोर्थ मान लो। क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपस में, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। लिखिए, लिखे
पढ़ो आगे. यस सर. यस सर. चलिए क्या आएगा लिखे. नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. देखिए यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, यह जेड एक्सिस. एक्स के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है? है या नहीं है? यस सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. बेटा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप क्या है? एन व्हाट इज द एन कैप? व्हाट इज द एन कैप? What is the n cap? Unit vector which is perpendicular to the plane. देखो, मान लो यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह दोनों के बीच का एंगल है. यह दोनों किस प्लेन में लाई करा? इस प्लेन में लाई करा. करा कि नहीं करा? इस प्लेन में. Yes. तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा. या दिस इज द एन कैप, मतलब जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा ना, उसके ठीक परपेंडिकुलरली एन कैप या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा. समझे कि नहीं समझे? यस सर. दिस या हमेशा एन कैप देगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाई. मतलब एन कैप हमेशा ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा. समझ में आया सर? बढ़ो आगे. यस सर. इसको आप लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन. क्लियर है? अब आइए आई वेक्टर, आई क्रॉस वेक्टर आई. ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो. आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा? मॉड ऑफ आई. हाँ या ना? आई क्रॉस आई के साथ एंगल कितना होगा? जीरो. इनटू एन कैप. क्या कितने बच्चे को डाउट है यहां तक? बोलो यहां तक कितने बच्चे को डाउट है? यहां तक कितने बच्चे को डाउट है बोलो. फिर एक बार और समझा दीजिए. फिर से एक बार. यहां तक क्लियर है? नहीं है ये बताइए, यहां तक क्लियर है आप लोग या नहीं? नहीं सर. नहीं, ये क्लियर है कि नहीं? नहीं सर. नहीं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में कितना बार बता चुका? यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह एंगल है. ए क्रॉस बी कितना होगा?
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा बोलो? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्या है हिमांशु बोलो, ए क्या है? ए क्या है हिमांशु? हाँ सर। ए क्या है, व्हाट इज द ए हिमांशु? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ए क्या है, व्हाट इज द ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप क्या है? एन कैप क्या है बोलो? एन कैप क्या है? अरे नहीं आता तो नहीं बोलो ना यार। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या देगा एन कैप? क्या देगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका? डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन देगा। किसका देगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन देगा कौन? एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन होता। मैं पल बार बार कम से कम तीन पांच छह बार तो बता ही चुका हूं, अभी भी समझ में आया नहीं आया? आया सर। मैं आगे बढ़ू? हाँ सर। आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस तो बताइए कि आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? जीरो। जीरो। तो देखिए तो हिमांशु आप बोलना आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या होगा? ए के जगह पर आई कैप, बी के जगह पर आई कैप, क्या होगा? आई का मोर दो, आई का मोर साइन, आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? जीरो। जीरो इनटू एन। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। आई कैप का मोड क्या आएगा? आई कैप का मोड क्या आएगा? वन। और साइन जीरो का वैल्यू क्या आएगा? साइन जीरो का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। तो टोटल का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? जीरो। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस। क्या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि 1 × 1 × 0 = 110? किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है क्या 110 आएगा? नो सर। नो सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। सभी बच्चे क्लियर? हिमांशु, आदित्य, निखिल। यस सर। यस सर। आदित्य, निखिल। Yes, sir. 640 ओम। yes, पूर्वा निनाद क्लियर है सर? सभी लोग क्लियर हैं? दुर्गेश? हाँ सर क्लियर है। जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप, जे का जे के साथ एंगल जल्दी बोलो। जीरो। कितना आ गया? वन। वन कितना आएगा? समझे नहीं समझे? यस सर। के कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? जीरो।
कितना आ जाएगा बता दीजिए। देखो तो इतना होगा, देखो तो इतना होगा, बोलिए। यस सर। क्या यहां तक सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जो फिर से चाह रहा है इसको एक बार सीखना? कोई ऐसा बच्चा जिसको एक बार और देखना है, सीखना है, मैं फिर से बता दूं? नहीं सर। अब देखिए, आई क्रॉस जे का मतलब कौन सा डायरेक्शन? क्लॉक की एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में एंगल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, साइन 90, एंगल। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। मॉड ऑफ आई का मतलब 1, मॉड ऑफ जे का मतलब 1, साइन 90 का मतलब 1, और एन कैप जैसे का तैसे। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एन कैप। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा 1 × 1 × 1 = 111? नो सर। गुड बेटा, एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? व्हाट इज एन कैप? परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर आई एंड जे आर लाइन। आई और जे यही है? यस सर। इस पे परपेंडिकुलर कौन है? आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है या नहीं? नो सर। आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन सामने दिख रहा है? कौन दिख रहा है? के कैप। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या नहीं? यस सर। आई और जे पे देखिए ना, सामने दिख रहा है परपेंडिकुलर, इस दोनों पे परपेंडिकुलर के कैप है। क्लियर? Yes, sir. तो क्या आएगा? Yes. I cross J equal to K cap क्या है? Unit vector। कहाँ? Perpendicular to the plane। कौन सी प्लेन? I और J। समझ में आया नहीं आया? आया सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? J क्रॉस K क्या होगा? मॉड ऑफ J, मॉड ऑफ K, बोलो बोलो। साइन नेगेटिव थीटा। नहीं, J क्रॉस K, हाँ नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। यस सर, सॉरी। कितना आएगा? मॉड ऑफ जे मतलब 1, मॉड ऑफ के मतलब 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और एन कैप। कोई डाउट? नो सर। क्या आ जाएगा? 1 × 1 × 1 कितना आएगा? 1। और एन कैप क्या है? आई कैप। परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर जे एंड के प्लेन आर लाइन। तो जे और के यही है? Yes, sir. जे और के पे परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है? आई कैप। तो क्या लिखेंगे?
लिख लीजिए। हो गया? यस सर, यस सर। चल बड़े आगे, गेट बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, के क्रॉस आई क्या आएगा बोलिए? मॉडिफाई साइन 90, क्लियर? यहां तक सभी बच्चे क्लियर? यस सर, यस सर। कितना आएगा? वन वन। कितना आएगा बेटा? के और आई पे परपेंडिकुलर कौन? के और आई पे परपेंडिकुलर कौन? जी। कितना आ गया? बढ़ो आगे। यस सर, साथ में क्या सीखा? आई क्रॉस जे बोलो, के जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, ये बात समझ में आया? यस सर, यस सर। सभी बच्चे को? यस सर। लिख लीजिए। यस सर। कल क्या है रात में? कल रात में क्या है? पूछताछ। कौन सा टॉपिक? वेक्टर। वेक्टर प्रिपेयर्ड है? यस सर। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। क्या होगा इसका फॉर्मूला? बी क्रॉस ए इक्वल टू अभी आपने बताया था, बताया था? यस सर। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर, यस सर। चलो आगे। यस सर। यह एक्स वाई जेड कोई डाउट? बोलिए। यह एंगल कितना होगा इसके बीच में? ऐसे माइनस 90 होगा? बोलो। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर,
क्या होगा? आई क्रॉस के बोलो साइन माइनस 90 कितना आ जाएगा? माइनस एन के क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस यस एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर आई एंड के आर लाई. आई यह है और के यह है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कट जाएगा तो कंपल्सरी सभी लोग रिज्वाइन हो जाना. टाइम अब कट जाएगा तो कंपल्सरी सभी लोग रिज्वाइन हो जाना. आगे देखो के क्रॉस जे क्या आएगा बोलो? होगा वन वन माइनस वन एन कैप, मतलब माइनस एन कैप कितना आएगा? के और जे